हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी? आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आज भीड़ बहुत कम है, आज बहुत शांति होने वाली है लाइव क्लास के अंदर। और कौन कौन आ गए? गीता पांडे, केवी शर्मा, विनोद कुमार, चंदा सिंह, सुजाता, सॉरी संजय मिश्रा, बबीता, बबीता बबीता दो आ गए भाई, बबीता भारती और बबीता शर्मा, वंदना गुप्ता और मनोज कुमार। जी, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। और कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दबंग सर जी, कैसे आप सर? जी, सबसे पहले आप ये बताना कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा दबंग मैं कह रहा हूँ तो? जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जी। देखिए, आज हम लॉजिकल रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं और आज बहुत शांति होने वाली है ग्रुप के अंदर, बहुत कम दोस्त हैं। और चलिए शुरू करें क्लास। आज थोड़ा वैसे मूड तो खराब हो गया था दिन के अंदर यार, क्या बताऊँ कैसे कैसे स्टूडेंट आ रहे थे। तो कोई नहीं, चलिए उस चीज़ को हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जी। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का मूल क्या है? इन्फ्रेंस इन इंडियन लॉजिकल इज रूटेड इन, ये बताइए जी। राजकुमार, ईशा शर्मा जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जी। इसका आंसर बताइए दोस्तों। आज आपके आज सभी का नाम लिया जाएगा, हमारे पेड कोर्स के अंदर जो भी दोस्त है ना, उन सभी का नाम लिया जाएगा जी। मधु कुमारी, ईशा शर्मा जी, बताइए इसका आंसर, बताइए। आप आंसर नहीं बता रहे, आज भीड़ कम होने से क्या बात है, आंसर ही नहीं आ रहे। किरण कुमारी जी, गुड इवनिंग जी। साफ नहीं दिख रहा, साफ क्यों नहीं दिख रहा जी? नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क तो सही है जी, बताइए। मनोज कुमार जी, बबीता शर्मा, वंदना, दबंग सर, राजकुमार, ईशा जी, बताइए। नवीन कुमार, अंशु शर्मा, नीतू, अभिषेक, नवीन कुमार जी, इसका आंसर बताइए दोस्तों। फिर आगे हम अगला क्वेश्चन करें, भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का मूल क्या है? इन्फ्रेंस अनुमान इन इंडियन लॉजिकल इज रूटेड इन। और ये क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से करवाया है। ए का बी साफ नहीं वीडियो। अरे यार, नेटवर्क तो सही है यार, हमारा नेटवर्क तो सही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए दोस्तों, लाइव क्लास के अंदर यार यही प्रॉब्लम होती है, एक नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम फिर रिकॉर्डेड वीडियो ले तो आप सभी से बात नहीं कर पाएंगे जी। ईशा शर्मा ने सी आंसर दिया है, सुप्रिया ने बी, अभिषेक ने सी, अंशु ने सी, प्रीति मिश्रा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, जैन क्लब ने वन का सी आंसर दिया है, वंदना गुप्ता ने वन का बी आंसर दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने, ये टॉपिक हमने काफ़ी अच्छे से किया है, अगर आपको याद हो तो। जो दोस्त हमारे से पहले जुड़े हुए हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, हमने काफ़ी अच्छे से टॉपिक किया है। मनोज कुमार, अंशु वर्मा, हम लेट हो गए जी, अच्छी बात नहीं है। राजकुमार, अंशु वर्मा, गुड इवनिंग जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर सी है दोस्तों, और इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो जाए। हाँ, डी आंसर, एक में सी है एक में डी है, क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए या सी होना चाहिए? चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का मूल क्या है? इन्फ्रेंस इन इंडियन लॉजिकल इज रूटेड इन, हिंदी में दिया सी, मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच परिवर्ती सहवर्तिता, मध्य पद और मुख्य बीच के बीच अपरिवर्ती सहवर्तिता। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या आएगा, सी और डी में से वेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन मिडल टर्म एंड मेजर टर्म, क्या आएगा सी और डी में से, क्या आएगा? वन का डी दे रहे, कहीं सी दे रहे जी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी आएगा दोस्तों, सी आंसर आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने ये टॉपिक किया था, उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। तो जो मध्य पद और मुख्य पद के बीच में जो उन दोनों के संबंध को कुछ इफेक्ट करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा होता है अनुमान होता है दोस्तों वो, ठीक है। ये चीज़ हमने की थी, तीन वाक्य लिए थे और उनके बीच में एक मिडल टर्म होती है, उसकी बात चल रही है दोस्तों ये, तो ये हमने काफ़ी अच्छे से किया है।
एक का सी, अब वीडियो क्लियर है सर। ओके 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 जी, सी सही है दोस्तों इसका आंसर। यहाँ पे डी शायद गलती से हो गया होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला काफी अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। ये देखिए, ए आई ओ का हमने एक वो किया था ना, कॉन्सेप्ट किया था, ए आई ओ का कॉन्सेप्ट किया था, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव की बात की थी इसके अंदर। बताइए, टू का आंसर अंशु वर्मा ने टू का ये दिया, मनोज कुमार ने दिया, नीतू सिंह, नवीन कुमार, ईसा, सुप्रिया, प्रीति, श्रुति, अभिषेक जी, सभी दोस्तों ने इसका ए आंसर दिया है। ऑल मैन आर होनेस्ट, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं दोस्तों, इसका ए आएगा। और हमने किया था, जैसे मैं आपको थोड़ा सा फिर भी एक बार बता देता हूँ, हमारी मेमोरी है वो ताज़ा हो जाएगी। हमने ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट किया था, अगर ओ गलत है तो क्या है, ए सही होगा, आई गलत है तो क्या होगा, आई सही होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट किया था। आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से पता है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। शारदा जी प्लीज ध्यान से देखो। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए तर्क पर विचार कीजिए, ध्वनि स्थाई है क्योंकि यह श्रव्य है। कंसाइडर द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियोबल, आइडेंटिफाई द फॉल्स फैलसी इन्वॉल्व इन द अबोव आर्ग्यूमेंट। ये बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये 2018 में भी आए हैं और 2019 में भी आए हैं। जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है, अपडेटेड सिलेबस में से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको समझना दोस्तों, इसका आंसर देना, क्योंकि इसमें से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी 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 संभावना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा जी। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अंशु वर्मा, वीना, अभिषेक, नीतू, श्रुति, आकाश, नवीन, किरण, विनोद, राजकुमार, मधु कुमारी, कमल भटेरिया, केवी, सुपीरिया, जेन, ईसा, अंशु, चंदा, मनोज जी, सभी ने इसका आंसर ए दिया है। बहुत बार रिपीट हुआ है सर। हाँ जी, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 7 से 8 बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर किसी दोस्त को इसमें कंफ्यूजन है ना, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखना या फिर मैराथन क्लास देखना, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे से ये करवाया हुआ है ये टॉपिक। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए आएगा दोस्तों, फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन इसका आंसर आएगा। और दोस्तों बार बार मैं वही बता रहा हूँ कि ये टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन कर देंगे, आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। सर मिल गया, ऐप में स्टोर में था। हाँ जी स्टोर में था सर, सही नहीं आता। सोनी यादव जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप प्लीज आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना, हम आपको लिंक दे देंगे, इस स्पेशल वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करना। सर लिंक नहीं मिल रहा था। फहमिदा नाज, कुटाई कर दो आपकी, पिटाई कर दूंगा मैं। ये देखो शहजादी भी अभी आई है। देखिए सभी आप दोस्त, पेड जो कोर्स है ना, पेड कोर्स ऐप के अंदर जो है आपका, उसमें स्टोर में जाके अपना कोर्स चेक करें, और उसमें जो मैराथन क्लास है, डेली हम फोल्डर बनाते हैं, हर तारीख का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम लिंक डाल देते हैं। आपको एक बात यार कितनी बार मैं आपको बताऊं जी। चलिए इसका बताइए दोस्तों, मनोज कुमार का आ गया है आंसर 4 का ए। कोई संगीतकार जापान नहीं है, सभी नाई संगीतकार है, कोई नाई जापानी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, जैपनीज आएगा ये, जापानी जापानी आएगा। कोई संगीतकार क्या है कि वो जापानी नहीं है, सभी नाई संगीतकार है, कोई नाई जापानी नहीं है। उपयुक्त न्याय वाक्य में मध्य पद की पहचान कीजिए। जी 4 का ये, अभिषेक ने ये दिया है, मनोज कुमार ने, चंदा, अभिषेक, अंशु, शारदा गुप्ता। सर मेरा भी इंडियन लॉजिकल वीक है जी, अच्छे से कर लीजिए। जिसको भी प्रॉब्लम है ना, वो हमें कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे, आपको
पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। सर दिखाई नहीं देता सोनी यादव, सर दिखाई नहीं देता, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है क्या जी? मैं समझ नहीं पाया क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आप हमें व्हाट्सएप पे बताना, वहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे आपका। विक्रम जैन, सोनी, फहमिदा, विनोद, नवीन, नीतू, राजकुमार, शहजादी। क्वेश्चन तो शो नहीं हो रहा मुझे, क्यों नहीं हो रहा जी? आपके शायद उसमें प्रॉब्लम है, फोन में प्रॉब्लम है। किरण, श्रुति, शहजादी, ईशा, भारती, आकाश, गीता पांडे, शारदा गुप्ता जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया है। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। जी इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए आंसर आएगा। पहले आधार वाक्य में कर्ता और दूसरे आधार वाक्य में विधेय। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्रीमाइसिस एंड प्रेडिकेट इन द सेकंड प्रीमाइस। ये आप ध्यान रख लेना दोस्तों, इसमें से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। और ये जो नए टॉपिक ऐड हुए ना हमारे, ये अच्छे से कर लेना दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 यार अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे और मैं आपका कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपको सहयोग कर रहा हूँ। अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टेक्ट करना, आपका सोल्यूशन कर देंगे हम। जी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। जी मैं वही बता रहा हूँ वीना जी, देखिए किसी को भी प्रॉब्लम है ना तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो किसी को भी प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टेक्ट करना। जी चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये जिसका भी गलत होगा ना, मुर्गे के ऊपर मुर्गा बना के तोड़ूंगा मैं, अब पिटाई होगी। आज गुस्सा तो मेरे को वैसे ही आ रहा पूरे दिन से, ठीक है, और अब गुस्सा सारा का सारा आप सभी दोस्तों पे निकालूंगा अगर किसी का गलत हो गया तो। जी वाह क्या बात है, आज तो लाइन बहुत बड़ी लंबी बनने वाली है, बहुत ऊंची लाइन बनने वाली है ना, मुर्गे के ऊपर मुर्गा, मुर्गे के ऊपर मुर्गा, आज पिटाई होगी सभी की जी। अरे इतनी लाइन कैसे बनाऊंगा मैं, 5 का A, अंशु, अनीता, वीना, मनोज, सुप्रिया, कमल, अनीता, विक्रम, केवी, विनोद जी, सभी ने इसका आंसर ए दिया है। क्या बात है क्या बात है, सभी पिटोगे आज है, एक के ऊपर एक मुर्गा बनाऊंगा तो यार आकाश में पहुंच जाओगे आप, इतने क्या कर रहे हैं, कोई तो सही आंसर दो। नवीन कुमार, जैन, कलब, आकाश, राजकुमार, शारदा, अंशु, ए इज राइट। ये क्वेश्चन तो घोट कर पिया है आपने ही, तो पिलाया था डांट डांट कर। ओहो जी देखते हैं क्या होता है इसमें। जी जल्दी बताइए, अगर कोई दोस्त रहता तो जल्दी बताइए सर, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अभिषेक जी, कंपैरिजन किया है सर जी। ओके 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 जी जी आज तो यार कोई भी, आज भड़ास निकालने के लिए कोई मिला नहीं, कुटाई के लिए कोई मिला नहीं, सभी दोस्तों का ये बिल्कुल सही है यार, सादृश्यता मूलक ही इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसका आंसर नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने बहुत 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 बार करवाया है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है, जहां पे हम कंपैरिजन करें, दो चीजों का कंपैरिजन करें, वहां पे सादृश्यता मूलक यानी कि एनालॉजिकल रीजनिंग आएगा। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, जिस प्रकार किसी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की स्थिति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार ये देखिए ये आ गया ना, उसी प्रकार यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा सादृश्यता मूलक आंसर आएगा। देखिए अभी भी स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं, इतना बता चुका हूँ फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते दोस्तों। सर ये गलत नहीं हो सकता, ये याद हो गया है, ऐसे तो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप जी, 5 का 100% A, इसमें उसी प्रकार वर्ड आया है इसलिए ए राइट होगा जी। अंशु वर्मा जी, जी अभिषेक, थैंक्स सर जी, मिला नहीं, किसी का गलत नहीं हुआ, बच गए आप। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए दोस्तों। नीचे दिए गए तर्क वाक्य पर विचार कीजिए, ध्वनि स्थाई है क्योंकि है जार की तरह ही उत्पाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय तर्क के आधार पर उपयुक्त तर्क में निहित
श्रामकता की पहचान कीजिए। हाँ, देखो हिंदी में कैसे कैसे आ रहे हैं शब्द, आप यहाँ पे ये देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए जी। सिक्स का डी, फहमिदा नाज ने डी दिया है। सुप्रिया, विक्रम, वीना, अभिषेक, शहजादी, सादृश्यता, तुमक, जैन क्लब, श्रुति। सिक्स का ए, नीतू सिंह डी। ए और डी आंसर दे रहे हैं इसका, अनिता रानी, मनोज कुमार। इंग्लिश में दिखाओ जी, इंग्लिश में भी है, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने दिया है। विन, वंदना गुप्ता, आकाश, प्रीति, दुर्गा प्रसाद, ये देखिए वो गए ना, दुर्गा प्रसाद आए तो दबंग सर भाग गए हमारे। अरे दबंग सर कहाँ हैं आप, आइए। अरे यार एक तो ना देखो कितने, यार मैं ना इसका नेट बंद कर दूंगा तो क्या करूं, एक मिनट मैं ना इसको साइलेंट कर देता हूँ उस फोन को। चलिए इस फोन को साइलेंट कर दिया दूसरे को जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, सिक्स का आंसर क्या होगा। सिक्स का डी ही होगा सर, लेकिन एक्सप्लेन कीजिए। ओके 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 जी, इसके अंदर इसका आंसर ए दिया है इसके अंदर, और इसका आंसर यहाँ पे ए दिया है जी। यहाँ पे देखिए मनोज कुमार जी, जो भी दोस्त इसका आंसर डी दे रहे हैं ना, वो समझने की कोशिश कीजिए, डी इसका आंसर कैसे गलत है और ए इसका सही कैसे है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है, वहां पे लेके चलता हूँ फिर यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए जो हमारा पीछे का क्वेश्चन था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ध्वनि स्थायी है क्योंकि है श्रव्य है। ये देखिए यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रिलेशन लग रहा है, क्योंकि साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियोबल, तो ये क्या कि तुच्छ तर्क है, फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन है, यानी कि ये तर्क तो है, तुच्छ तर्क है, यानी कि इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन अच्छे से हम इसको नहीं कह सकते, तुच्छ तर्क होगा यहाँ पे, फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन होगा, क्योंकि ये कुछ कुछ इससे मिल रहा है। देखिए ध्वनि स्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है, इसका इन्होंने रीजन दिया है और ये रीजन कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, तुच्छ तर्क आएगा, और इंग्लिश में इसका आंसर फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स को पढ़िए आप, सिक्स को पढ़ने से क्या है, ध्वनि स्थायी है क्योंकि यह जार की तरह ही उत्पाद है। आप इंग्लिश में देखिए इसको, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज प्रोडक्ट लाइक द जार। अब देखिए ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना, साउंड, साउंड तो एक ध्वनि होती है जिसको हम सुन सकते हैं, लेकिन जार क्या है, जार एक बर्तन के जैसा होता है, उसको हम रख सकते हैं, तो ये चीजें के ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही ना, बिल्कुल ही अलग है, तो ये क्या होगा दोस्तों, फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन होगा, जहां पे विरोधाभास हो ना, हमने बात की थी ना विरोधाभास, जो एक दूसरे की बातों का विरोध करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कंट्राडिक्टरी होता है हमारा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर ए आएगा इसका, आंसर डी नहीं आएगा। जो भी दोस्त जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है ना, जैसे अंशु वर्मा ने दिया है, मनोज कुमार ने इसका डी दिया है, विनोद ने डी दिया है, तो डी आंसर नहीं आएगा इसका। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, उसमें पहले क्या था, ध्वनि स्थायी है क्योंकि यह सर्वे है। ध्वनि स्थायी क्यों थी वहां पे, क्योंकि वो ऑडियोबल थी, उसको हम सुन सकते थे, वो कहीं ना कहीं रिलेट हो रही थी उस चीज से, लेकिन यहाँ पे इसका जो रीजन दिया है वो बिल्कुल ही अलग रीजन है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्राडिक्टरी होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बताइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या। ऐसे क्वेश्चन ध्वनि से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ ध्वनि से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है उनका अलग अलग आंसर हुआ है, ठीक है। यस सर, याद आ गया, हाँ जी मैंने समझाया था आपको, समझ में आ गया सर जी, बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी समझाया था, और मैं आपको बार 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 एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर किसी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको एग्जैक्ट वीडियो सेंड कर दूंगा जिसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मनोज कुमार जी, अंशु वर्मा जिन्होंने, विनोद कुमार जिन्होंने भी ये इसका आंसर गलत दिया है ना, ध्यान रख लेना, लास्ट एंड फाइनल, और मैं क्या कहूँ, फुल एंड फाइनल वार्निंग है ये, इसके बाद में अगर गलत हो गया ना, अगर घर घर पे भी गलत हो गया तो देख लेना भाई, मैं तोड़ूंगा, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, ठीक है।
आगे से गलत नहीं होना चाहिए यार। आप कितने महीनों से स्टडी कर रहे हैं यार, कितने महीने से स्टडी कर रहे हैं, और अब आके आप एग्जाम के टाइम पे आके आप अभी भी अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो कैसे आपका नेट और जीआरएफ होगा भाई साहब, मेरी बहनों कैसे होगा? तो प्लीज अच्छे से कीजिए, नहीं थप्पड़ मारूंगा मैं, मेरे को आप बुरा बोलोगे फिर आप जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन, सपने में आके मारोगे रोहतास जी? हाँ जी, सच में सपने में आके मारूंगा, और आपको तो खास कर मारूंगा मैं जी। चलिए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ऐसे हितातवास जिनमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या अति युक्ति संगत के रूप में दर्शाया जाए। यहाँ यानी कि किसी भी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया जाए, उनको बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, उसके अंदर क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बताइए। और ये क्वेश्चन स्पेशल जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, उनकी मैं तोड़ूंगा, मैं ना सच में तोड़ूंगा, आप देख रहा हूं मैं जी। किस किस का गलत होता है इसका? बबीता शर्मा, अंशु जैन, सबसे ज्यादा खास नजर तो मेरी इनमें, ये वैसे तो सभी गलत दे रहे हैं लेकिन मैं इनमें ये देख रहा हूँ पुराने स्टूडेंट कौन से हैं। दुर्गा प्रसाद, आकाश, अंशु, प्रीति, शारदा, फहमिदा, जैन, मनोज कुमार कहाँ गए? मनोज कुमार, राजकुमार ने भी 7 का डी दिया है, सभी दोस्त इसका आंसर डी दे रहे हैं। कोई नहीं, जो नए दोस्त है ना, नए दोस्त तो बच जाएंगे लेकिन पुराने दोस्तों को मैं तोड़ूंगा आज अगर ये गलत हो गया तो। मनोज कुमार ने भी डी दिया है। हाँ अभी सभी ने इक्का कर लिया है ना, इक्का कर लिया है, अगर कुटाई होगी तो फिर सभी की होगी, मजा आएगा है ना, कोई भी अलग आंसर नहीं दे रहा, मैं सबसे पहले दी हूँ आंसर। ओके जी, ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रश्मि कुमारी, आपको ना घूसा लगाऊंगा, खींच के घूसा लगाऊंगा, लेट आ रहे हैं आप। आई एम न्यू स्टूडेंट। पूजा यादव, पूजा यादव जी आप नए स्टूडेंट हैं जी, वेलकम, आपका आंसर दीजिए। आपके चैनल पर काफी लोचा है, आपके चैनल पर काफी लोचा है, कोई लोचा नहीं है, आप अच्छे से समझ नहीं पाते। मैं आपको 1000 बार एक बात कह चुका हूं कि आप पेड कोर्स के अंदर आके चेक किया करें, वहां पे हमारी लाइव क्लास होती है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं जी। जी चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा और किन किन की पिटाई होगी। चलिए इसका आंसर जी बिल्कुल सही, इसका आंसर नंबर 4 होगा, और कोई भी दोस्त नहीं मिला, कोई भी दोस्त नहीं मिला जिनके मैं कुटाई कर सकूं जी। इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, स्ट्रामैन होगा, और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि स्ट्रामैन किसे कहते हैं। स्ट्रामैन उसे कहते हैं जो ड्रेवा नहीं होता, खेत के अंदर ड्रेवा कर देते हैं डराने के लिए पक्षियों को, और उनको जो सांड घुस जाते हैं खेत के अंदर उनको डराने के लिए एक ड्रेवा बनाते हैं ना, पुतला बनाते हैं, तो वो क्या है कि वो बढ़ा चढ़ा के उनको डराने के लिए एक पुतला क्रिएट किया जाता है उनमें डर बैठाने के लिए। तो वही बात इसके अंदर कही गई है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दर्शाया जाए तो वहां पे क्या हुआ, स्ट्रामैन होगा दोस्तों। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ बट गलती करूँ तो मार खाने के लिए रेडी हूँ। आ हा, क्या बात है, बताएंगे आपको, असली कुटाई तो वहां पे होगी ना अगर एग्जाम में गलत कर दिया तो। चलिए पुतला आपने पिक भी बताई थी। हाँ जी मैंने आपको, मैं बता रहा हूं ना बहुत अच्छे से मैंने करवाए हुए हैं ये सभी टॉपिक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये बताइए दोस्तों, और ये है ना अनु अनु हाँ सॉरी अर्थापति, उपमान, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, ये सभी दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखते शहजादी जी 30 मिनट से परेशान थी जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, परेशान थे तो आप, मैं तो बहुत बार ये चीज बता चुका हूं कि लाइव क्लास हमारी ऐप के अंदर होती है, पेड कोर्स के अंदर होती है, लेकिन फिर भी आप दूसरी जगह भटके तो मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता जी। चलिए अंशु वर्मा, वीना सुमन, रश्मि, बबीता,
विक्रम, सभी ने डी आंसर दिया है, वो पूजा यादव, कमल भटेरिया, शारदा गुप्ता, मनोज कुमार, गीता पांडे, नीतू, अभिषेक, फहमिदा, अंशु, प्रीति, सभी ने इसका आंसर डी दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने। जी मैंने सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, सभी कॉन्सेप्ट 90% सिलेबस की मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 90% सिलेबस हमने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है। जी चलिए इसका आंसर बताते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। जी इसका आंसर दो ये होगा दोस्तों, आंसर नंबर 4 होगा, अनुमान होगा। देखिए ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भगवान है, भगवान को आज कोई प्रूफ नहीं कर सकता, हम अंदाजा लगाते हैं भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, व्रत रखने से उम्र बड़ी होती है, करवा चौथ का व्रत रखने से, है ना, ये हमारे सारे के सारे क्या है, अनुमान है। तो हम अनुमान के द्वारा ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, हमारे पास साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है कि किसी चीज के अंदर लगा के देख ले कि किसी के अंदर जैन क्लब के अंदर भगवान है यानी श्रुति के अंदर है या नहीं, ये अच्छे से आरती करती है या नहीं करते, है ना, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है हमारे पास। और एक हमारे वो थे ना, वो एक और दोस्त थे, गायत्री मंत्र थे, वो भी आज नहीं है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया, तो अनुमान के द्वारा ही हम ईश्वर के अस्तित्व का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जी और इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो आप थोड़ा माइंड लगाना कि ये कौन से अनुमान, कौन से लॉजिक की बात कर रहा है। ठीक है चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपने उदाहरण साबित बहुत अच्छे से, जी बहुत अच्छे से मैंने दिया है। जी चलिए अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हमने करवाया हुआ है, इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफेद वस्त्र नहीं पहनती, ठीक है, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयां लिखते हैं, इसलिए इस अस्पताल में घटिया गुणवत्ता सत्र का उपचार होता है, ये बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा। आप 90% की गारंटी देते हो तो हम भी 80% की गारंटी देते हैं। ओके 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 सर, 80% किस चीज की गारंटी दे रहे हैं सर मनोज कुमार आप, 80% आपका नेट हो गया क्या, होगा क्या 80%, तो अच्छी बात नहीं है सर, 100% नेट होना चाहिए, नेट और JRF। जी 9 का आंसर 2 आना स्टार्ट हो गया है, वीना, सुमन, नीता, नीतू सिंह, शारदा, अभिषेक, अंशु, राजकुमार, बबीता, फहमिदा, चंदन, पूजा, किरण, शहजादी, जैन, अभिषेक, विनोद, विक्रम, नवीन, चंदा, ईशा, श्रुति, रश्मि, शहजादी, स्लीपर स्लोप, मनोज कुमार, फर्स्ट पेपर में 80%, वाह 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 वाह, वेरी गुड सर वेरी गुड। 80% का मतलब है 8×5=40, यानी कि 40 क्वेश्चन ठीक होने। जी मैं तो खुश हो जाऊंगा, मैं क्या दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अगर आप 40 क्वेश्चन राइट कर देते हैं तो सर। जी सर स्लीपर स्लोप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा, आंसर 2 होगा। जी वाह 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 वाह, क्या बात है वीना जी, बहुत अच्छे, आपको याद है, आपको याद है। जी बिल्कुल सही इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर स्लीपर स्लोप होगा, क्योंकि देखिए इसमें ये कहा है ना लास्ट में कि इस अस्पताल में घटिया गुणवत्ता स्तर का उपचार होता है, ये रिजल्ट कब निकल के आया, हम ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं ना कि इस अस्पताल के अंदर नर्सें सफेद वस्त्र नहीं पहनती, निजी प्रैक्टिस करते, चिकित्सक महंगी दवाइयां दी जाती है, तो इन सभी से क्या हुआ, एक स्टेप से चले हम, फिर दूसरे, फिर तीसरे पे, फिर एक किसी रिजल्ट पे हम पहुंचे, यानी कि स्लीपर स्लोप ऊपर से खिसकते हुए कहाँ कहाँ है नीचे आए, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, स्लीपर स्लोप होगा। तो ये चीज भी हमने आपको बहुत अच्छे से करवाई थी, स्लीपर स्लीपर स्लोप, स्लोप का मतलब हमें पता ना, स्लोप ऐसे टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, तो इसमें भी यही बात कही गई है कि एक पॉइंट से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे, तीसरे पे फिर हम किसी फाइनल बात पे पहुंचे हैं। जी ऐसे होगा इसका आंसर। जी वीना जी आल्सो थैंक यू, आपको अच्छे से याद है ये। जी नहीं मिल रही सर क्लास आने का रास्ता, नहीं मिल रही थी क्लास आने का रास्ता। जी क्या बताऊं मैं आपको, कितनी बार बताऊं यार दोस्तों, यार पेड कोर्स के अंदर हमारी क्लास होती है भाई साहब, मेरी बहनों, कितनी बार बताऊं, आप डेली ऐप के अंदर 8 बजे आके चेक किया करें, 7:58 पे
ये जो 20 डे पेड कोर्स है इसके अंदर आके चेक किया करें। इसके अंदर आपको पहला ही फोल्डर मिलता है 20 डेज मैराथन कोर्स का, उसके अंदर डेट वाइज चला करें आप, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि यह अभिकथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसका जो स्टेटमेंट है, सभी चोर गरीब होते हैं, ये बात गलत है, तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है, ये बताइए। सभी चोर गरीब होते ये बात गलत है, तो क्या सही होगा ये बताइए दोस्तों। आज तो हम भटक गई थी जी, क्या करें, भटकने वालों को क्या करें, क्या करें यार। चलिए अब बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। बहुत ही अच्छी तरह से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था जी। 10 का आंसर 2 आना स्टार्ट हो गया है। वीना, जागृति, विक्रम, आकाश, सार्थक सर, सही सर, मुझे भी बिना जी यहीं का रास्ता जी, मैं समझा नहीं जी। आंसर बी आना स्टार्ट हो गया। राजकुमार, अभिषेक, रश्मि, प्रीति, फहमीदा, विनोद, बबीता, मलती, श्रुति, शहजादी, अंशु, नीतू, शहजादी। कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं, होते हैं कुछ चोर गरीब होते हैं जी। 10 का वी कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट जी। देखते हैं जी पूजा जी क्या होगा इसका आंसर। अंशु, वंदना, कमल, कॉमर्स ट्यूटोरियल। अरे भाई साहब, कहाँ थे सर आप, कहाँ थे आप, आपके बगैर हमारा मन नहीं लगता क्या है सर। मलती, मनोज जी, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर दोस्तों बी आएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है, हमने AEIO का जो कॉन्सेप्ट करवाया था उसमें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो कुछ चोर गरीब नहीं होते, सभी चोर गरीब होते ये बात गलत है, ए गलत है, तो क्या सही होगा, AEIOO हमारा सही हो जाएगा। ए अगर गलत है तो ओ हमारा सही हो जाएगा जी, बिल्कुल सही दोस्तों। गुड इवनिंग सर, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, नेट प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है मेरे साथ। ओहो, आर के कुशवा जी, क्या करें सर, क्या करें, कोई नहीं, आप बाद में देख लेना वीडियो रिकॉर्डेड, मैं सबसे पहले दी हूँ जी। वेरी गुड जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यार, इसको क्या करें भाई, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ी स्क्रीन में बढ़ा देता हूँ। चलिए ये यहाँ पे ले आया मैं। चलिए अब बताइए दोस्तों, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर कौन कौन से कथन है वो सही है और कौन से गलत है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। और वेन डायग्राम से रिलेटेड आज से 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल और केवल कथन वाले दोस्तों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड 4 से 5 बार आ चुके हैं। और थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के, अगर गलत हो गया तो, किसी का ओल्ड स्टूडेंट का गलत हो गया तो थप्पड़ मारो मैं खींच के, बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन मैंने। वीना ने 10 का वी दिया है, अभिषेक, जागृति, प्रीति, नीतू, फहमिदा, बबीता, अंशु जी, सभी पिटेंगे आज। वीना, मैंने ये क्वेश्चन बहुत किया है। ओके ओके ओके। नवीन, जैन, मलती, किरण, राजकुमार, सहजादी, आकाश, रश्मि, श्रुति, मनोज, सुप्रिया, जागृति, मेरा तो सही है। हाँ, अभी पता चलेगा ना किस किस को थप्पड़ लगने वाला है, अभी पता चल जाएगा आपको। शहजादी 1, 2 और 4 सही है जी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और शहजादी, आप एक बात भूल रहे हैं, शहजादी बना दूंगा मैं आपको, एक थप्पड़ में बना दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर लिखा करें साथ में। क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं लिखते, हम भूल जाते हैं क्या जी। पूजा यादव ने 11 का बी दिया है, कमल, शारदा, दिलीप, अंशु जी। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। दिलीप सिंह भी आंसर क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, सुधर जाइए आप। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी। बिल्कुल सही है, इसका आंसर दोस्तों बी आएगा इसका आंसर। इसकी स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, हमने आपको अच्छे से करवाया है ये। देखिए बी के अंदर क्या है, बी के अंदर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी कि 1, 2, 3
तीन नहीं है इसके अंदर, तीन को छोड़ के और सारे के सारे अपने सही है दोस्तों। इन स्टेटमेंट को आप अच्छे से देख लेना दोस्तों, इनमें से मैं बार 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 कह रहा हूँ, 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुए और इसमें से आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, अच्छे से कर लेना जी। शहजादी सर ये पता कठिन है सर, ये पाथ कठिन है सर, कौन सा पाथ कह रहे हैं जी, मैं समझा नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दो अभिकथन के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, प्रेपोजिशन इफ द इफ टू प्रेपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर सच दैट वन इज द डिनाई ऑफ अदर, अगर एक दूसरे का निषेध कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, दूसरे को नकार नकार रही है तो वहां पे क्या होगा, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को डिनाई कर रही है तो वहां पे क्या होगा जी। आंसर आना स्टार्ट हो गया है जी। सुप्रिया, श्रुति, प्रीति, आकाश, विक्रम, मनोज, फहमिदा, अंशु, अभिषेक, जागृति, वीना, जेन, कमल, रश्मि, नीतू, शारदा, सविता, राज, मनोज, ईशा जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, 12 का आंसर ए दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। हा 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 देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, कंट्राडिक्टरी होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं दोस्तों, हर चीज़ हमने आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई है, ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ है नहीं, बिल्कुल आसान है। और ये 1 मिनट, किसने गलत दिया है भाई, किसी ने नहीं दिया, बच गए आप, आज आप बच रहे हैं यार, आज मेरा गुस्सा तो आप वैसे ही शांत कर दोगे आप। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसमें देखते हैं किस किस की पिटाई होगी, आज तो यार कोई पिटने वाला भी नहीं मिल रहा, क्या करूं यार मैं, क्या करूं, कोई पिटने वाला आ जाओ। चलिए इसका बताइए, नीचे दो उधार वाक्य दिए गए, जो भी है जैसे भी है हमें ये देखिए, जो आधार वाक्य क्या है, सभी संत धार्मिक होते, इनका हमने डायग्राम भी बनाया है आपका आंसर अच्छे से देश के इसके लिए, सभी संत धार्मिक होते हैं, कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, ठीक है ये हमने कर दिया। अब इसमें से बताइए कोड ए सही होगा, बी सी डी, कौन सा सही होगा जी, जागृति, नीतू, जागृति, विक्रम, वीना, फहमिदा, रमेश, जांगीर, अरे सर रमेश सर क्या कर रहे थे आप, कहाँ थे आप, कहाँ थे आप, इतनी इतने टाइम से कहाँ छुपे बैठे थे आप जी। अभिषेक, अंशु, श्रुति, नवीन, सुप्रिया, सहजादी, रश्मि, आकाश, बबीता, किरण, शारदा, मलती, सर आप बहुत हैप्पी सर हैं, हो हैप्पी, मैं निम्मी सर हूँ, हैप्पी सर नहीं हूँ सर, बी हो सकता है। अब देखो, अब ये देखो, ये पिटेंगे भाई, विक्रम सिंह पिटेंगे, अब ये कह रहे बी हो सकता है, अभी भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है, अच्छी बात नहीं, हो नहीं सकता, डेफिनेटली बताइए, इसका आंसर तो बी होगा या इसका आंसर डी होगा, जो भी है वो बताइए, अगर आप अभी भी अनुमान लगाएंगे तो कब आपका नेट और जर्फ होगा सर। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, और आंसर बिल्कुल सही दिया आप सभी ने दोस्तों ने, इसका आंसर सी होगा विक्रम जी, बी आंसर नहीं होगा जी, इसका आंसर सी होगा दोस्तों, कुछ ईमानदार लोग क्या है धार्मिक होते हैं, कुछ ईमानदार लोग क्या है वो धार्मिक होते हैं, बी कुछ संत ईमानदार होते हैं, कुछ संत ईमानदार होते हैं, देखिए ये हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमें उसी आंसर को सही मानना है जो 100% राइट हो, ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हम मान के चलिए किसी अदालत के अंदर जाएंगे और वहां पे एक गवाह एक व्यक्ति है, वो कह रहा कि सर मुझे लगता है कि इस आदमी ने कत्ल किया है, तो क्या उस आदमी को सजा दे देगा कोर्ट, नहीं देगा ना,
तो सेम टू सेम यही बात इसके अंदर होती है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो चीज एग्जैक्ट 100% सही है वही आंसर माना जाएगा, संभावना वाला हम आंसर नहीं दे सकते। जी सर, गायत्री मंत्र नहीं आए। हाँ वो पूजा पाठ में लगे हुए ना, वो सोच रहे मेरे को, मैं मंत्र पढ़ लूंगी, पूजा पाठ कर लूंगी, उसी से पास हो जाऊंगी। पिटेंगे वो, पिटेंगे। जी मैंने आपको ये बता दिया है, बी को एक्सप्लेन करो सर। क्या है, कुछ संत ईमानदार होते, ये देखिए संत नहीं है, संत क्या है, ईमानदार हो सकते हैं, होते, ये देखिए सर्कल के अंदर हमने आपको बताया हुआ है, आप इस सर्कल को समझिए। ये बी जो आंसर है, बी आंसर नहीं होगा, मैंने आपको यही तो एक्सप्लेन किया है ना कि ये हो सकते हैं, डेफिनेटली रूप से 100% सही नहीं है ये। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते दोस्तों। टोटल क्वेश्चन शायद 20 है जी, टोटल क्वेश्चन 20 है। हाँ जी 20 है जी। तेरह का बी होगा सर, आपने टीचिंग के टाइम अच्छे से बताया था मुझे। एक मिनट एक मिनट, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक होते हैं, कुछ सभी संत धार्मिक होते हैं। रुकिए अभी मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए। ये देखिए इसमें कहा है यार, एक मिनट, ये तो बहुत छोटी स्क्रीन होगी, चलिए छोटी में ही हम देखते। सभी संत धार्मिक होते हैं, सभी संत क्या है दोस्तों, ये देखिए सभी संत क्या है, ये धार्मिक होते हैं, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। कुछ ईमानदार लोग क्या है दोस्तों, वो संत होते हैं। अब देखिए जो ईमान, देखिए कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईमानदार लोग है वो धार्मिक भी तो होंगे, कुछ ना कुछ तो धार्मिक होंगे ना ईमानदार लोग। ये 100% 100% हम कह सकते हैं कि ईमानदार लोग धार्मिक होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है अब देखिए इसका हम आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर में आंसर इन्होंने सी दिया है, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक होते हैं, यही बात तो हम अभी करके आए हैं। तो ये दोस्तों 100% इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग बात नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी होगा, बी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर बी हो सकता है लेकिन हम इसमें नहीं मानेंगे क्योंकि ये 100% हम नहीं कह सकते। ठीक है तो ये है दोस्तों, चलिए एक मिनट। 14 का आंसर डी 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 दिया है सभी दोस्तों ने, इसका आंसर चंदा, चंदा भी लेट आए, विक्रम शहजादी, शारदा गुप्ता, जैन, यूजीसी ने सी ही माना है जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये देखिए दीप शिखा भी लेट आए भाई, लेट आने वालों को यार मुर्गा बनाना पड़ेगा मेरे को जी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर नंबर 4 आएगा। एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है, ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। ये देखिए दोस्तों निगमनात्मक तर्क में से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में से इसकी जो स्टेटमेंट है इनमें से काफी क्वेश्चन आए, ये आप अच्छे से कर लेना, और ये हमने आपको बहुत 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 ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी बिल्कुल सही है, सभी दोस्तों ने इसका आंसर डी दिया है और बिल्कुल सही है दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये फिर से निगमनात्मक तर्क का है, पिछले वाले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठ के आया है, देखते हैं किसका कौन गलत करता है, देखते हैं कौन ज्यादा स्याणा बनता है, देखते हैं इसके अंदर। सर मेरे पास 14 आई है, इन लोगों कैसे दे रखा है, चंदा सिंह जी मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। विनोद कुमार ने 14 का डी जी, 15 का बताइए जी, 15 का, विक्रम सिंह ने 15 का बी, जागृति सिंह ने 15 का बी आंसर दिया है, निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं होगा। ये देखिए पिछला जो करके आए हैं ना वही है दोस्तों, वही बता रहा हूँ मैं, ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं हो सकता जी। देखते हैं 15 का बी, सर मेरा क्वेश्चन लेट आ रहा है, चंदा सिंह जी आप जल्दी से उसमें आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, सरकार लीजिए आप, बिल्कुल लास्ट में ले आइए, रेड कलर में लाइन चल रही होगी उसको आगे ले आइए लास्ट में जी। क्या हुआ शहजादी खान, वाह पता नहीं उसका आंसर ठीक हो गया होगा ना इसलिए हंस रही है वो, ज्यादा खुश हो रही है। हाँ
हाय भगवान, बैटरी लो होगी। बबीता शर्मा जी, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया आप सभी ने, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ये पिछला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। यूजीसी ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है हमें, ठीक है? तो बिल्कुल सही है। अभी आगे वाला का जैसा ही है, हाँ जी, जो हमने पीछे किया था वैसा ही है ये जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो प्रतिशतियों में से दो एक साथ गलत नहीं हो सकते, परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। दो कथन है, वो दोनों के दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, तो वो क्या होगा? इफ टू प्रेपोजिशन कैन नॉट बोथ बी द फॉल्स बट मे बोथ बी ट्रू, यानी कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों सही हो सकते हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? हाँ जी रश्मि जी, बिल्कुल सही कहा है, डबल टैप करो उस पे जी। 16 का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। दीपशिखा, शारदा, श्रुति, अभिषेक, आकाश, रमेश, अंशु, नवीन, फहमिदा, जैन, चंदा, बबीता, चंदा जी। 16 का आंसर भी दिया है काफ़ी दोस्तों ने, और 38 दोस्तों ऑनलाइन है जी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। 16 का भी आंसर है बिरबल, कमल, मलती जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी। बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी आएगा दोस्तों। और ये दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ यार, मैं ना सच में स्क्रीन से निकल के तोड़ दूंगा आपका, मैं घूसा मार दूंगा अगर ये गलत हो गए ना। ये सभी मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, आगे बात समझ में। कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, सब अल्टरनेशन, कंट्राडिक्टरी, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। अगर किसी का गलत हो गया ना एग्जाम के अंदर, देखना उसे स्क्रीन में से निकल के घूसा लगाऊंगा नाक के ऊपर, नाक तोड़ दूंगा तुम्हारी। मैं ध्यान दे लेना ये बात, शक्ति है मेरे अंदर, बहुत बड़ी शक्ति है मेरे अंदर, आपको पता नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए सब लोग लाइक कर दीजिए। सब कंट्रेरी जी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सब कंट्रेरी आएगा। सभी दोस्तों ने आंसर इसका सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हाय हाय हाय, इसको कहाँ लेके जाऊं मैं, रोहतास की पिक को जी। नीचे कुछ तर्क वाक्य युक्ति के लक्षण दिए गए, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता हो जो अपने आप में आगमनात्मक ना हो। अब देखिए, अभी हम करके आए हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और ये है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब देखिए इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर कौन कौन से वाक्य सही होंगे, कौन से कथन सही होंगे, ये बताइए जी। 17 का आंसर सी, विक्रम, रमेश, शहजादी। वाओ सही हुआ, कितने खुश हो रहे हैं शहजादी, है ना। जागृति सिंह, 17 का सी, 17 का सी आंसर है। सुप्रिया, ज्योति, श्रुति, प्रीति, वीना, अभिषेक, नवीन, शारदा, आकाश, जैन, अंशु, शहजादी जी। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने जी, 17 का सी आंसर दे रही है। दीपशिखा, किरण, रश्मि, नीतू, मनोज जी, सभी इसका आंसर सी दे रहे हैं। निष्कर्ष अंततः आधारिकाओं से निकलता है। देख लीजिए इसमें क्या आंसर, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर है, जो अपने आप में आगमनात्मक न हो, विच इज नॉट ऑफ इंडक्टिव इन करेक्टर, ये बताना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका जी। अरे भाई साहब आ जा यार, आंसर आ जा, क्या हो गया जी। बिल्कुल सही है दोस्तों इसका आंसर, निष्कर्ष अंततः आधारिकाओं से निकलता है, ये बात इसकी गलत है दोस्तों। ये आगमनात्मक तर्क के अंदर नहीं होगा, ये किसके अंदर होता है, हमारा डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे को बहुत खुशी भी है, दुख भी है, दोनों ही चीजें हैं आज। आज खुशी इस चीज की है कि आपके सभी क्वेश्चन लगभग ठीक हो रहे हैं, सभी दोस्त बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी है मेरे को इस बात की कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन दुख मेरे को इस बात का है कि आज कुटाई करने के लिए कोई नहीं मिला, किसकी कुटाई करूं मैं आज, बहुत दुख हो रहा है, किसी ने गलत आंसर नहीं दिया।
तो खुशी भी है, दुख भी है, दोनों अपनी अपनी जगह है, क्या कर। चलिए आंसर तो पता है, बट क्वेश्चन अच्छे से समझाए प्लीज। वीना जी, हमने ये अच्छे से समझाया हुआ है, आप इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग वाली हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप अच्छे से देखना, उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हंस रहे हैं जागृति सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इसमें ए दिया है, कोई आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, निम्नलिखित अभिकथन ए और आर पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोई आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, बताइए क्या होगा इसमें से। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता, क्या होगा बताइए बताइए। सर मेरा रोंग हुआ है, मुझे कूटो। हाँ, एक दो की कुटाई में मजा नहीं आता, चार पांच मिले ना, वो अब नया तरीका ढूंढा है हमने, मुर्गे के ऊपर मुर्गा बना के फिर पीछे से चप्पल मारना है ना, तो वैसा कोई सीन बना नहीं आज। विक्रम सिंह, श्रुति, सविता, दीपशिखा, प्रीति, फहमिदा, अभिषेक, अंशु, शारदा, चंदा, ईशा, जागृति, नवीन कुमार, रश्मि, एट का आंसर ए दिया है जी। रमेश, मलती, बबीता, नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन 18। हाँ, जी बताते हैं बताते हैं, 18 का आंसर ए, मलती। हा, चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। जागृति सिंह ए, 18 का ए, विनोद कुमार ने भी, शहजादी 18 का ए होगा। वाह वेरी गुड, आप पढ़ते भी हो या इन क्वेश्चन के रट्टे मार रखे हैं आपने। आप इसके अलावा थ्योरी भी पढ़ लिया करो दोस्तों, हो सकता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो थ्योरी अगर अच्छे से, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ आप आंसर दे सकते हैं। सर मेरा हमेशा यही गलत होता है, नहीं आता सर ये। ओके 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 जी, बताते हैं बताते हैं बताते हैं दोस्तों, अभी बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए है दोस्तों, बिल्कुल सही है, सभी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया है, राइट दिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये आंसर कैसे होगा इसका ए। देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अंशु शर्मा और पूजा यादव का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अंशु शर्मा क्या कह रही है कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, कोई भी ये मान के चलिए कि कोई भी आदमी सही नहीं है, अंशु शर्मा कह रही है कि कोई भी आदमी सही नहीं है, ठीक है, अंशु शर्मा ये कह रही है। और पूजा यादव क्या कह रही है, पूजा यादव कह रही है कि कुछ आदमी सही नहीं है, पूजा यादव क्या कह रही है कि कुछ आदमी सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूजा के अनुसार क्या हुआ, पूजा के अनुसार तो ये हुआ ना कि कुछ आदमी सही है और कुछ आदमी सही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे अंशु शर्मा क्या कह रही थी, अंशु शर्मा कह रहे थे कि कोई भी आदमी सही नहीं है, कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, तो क्या हुआ इन दोनों की बातें मैच तो नहीं कर रही ना, ये बताइए आप, क्या पूजा यादव अंशु शर्मा जो बात कह रही है उसका समर्थन कर रही है क्या, नहीं कर रही ना, क्योंकि अंशु शर्मा तो कह रही है कि कोई भी आदमी सही नहीं है और ये पूजा यादव कह रही है कि कुछ आदमी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंट्राडिक्टरी है, इन दोनों की दोनों दोनों की जो बातें हैं वो अलग अलग है, तो ए और आर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आर जो है ए के लिए पर्याप्त तर्क नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरी वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी तब कुछ दिमाग में घुसेगा, मैंने वीडियो पूरी नहीं देख पाई थी। हाँ जी आर के जी, यही तो प्रॉब्लम है, स्टडी करती हूँ सर, आपने जो नोट्स दिए हैं जी, नहीं करे सर जी। पहले ये बताइए आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ में आया क्या, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ जी, बताइए जल्दी बताइए, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन करें, दो क्वेश्चन और रहते हैं हमारे जी, मुझे वापस नोट्स के रिवीजन करने होंगे।
दोस्तों कर लीजिए यार, कर लीजिए, अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए, केवल और केवल क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहिए। और हम इसीलिए तो मैराथन क्लास चला रहे हैं, एक दिन थ्योरी कर रहे हैं, अगले दिन उसका लाइव मॉक टेस्ट ले रहे हैं। तो आप अच्छे से कीजिए भाई, ऐसे ये सही बात नहीं है, कई दोस्त के आए कि अच्छे से नहीं कर रहे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। यार मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैंने चश्मा उतार दी। ठीक है जी, ये बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत 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 बार रिपीट हुए दोस्तों। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित तर्क वाक्य में इस तरह से संबंधित है कि वे एक दोनों सही हो सकते, यद्यपि वे दोनों गलत नहीं हो सकते। ए बी सी डी के अंदर दो वाक्य हमें ऐसे देखने हैं जो सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते। ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैराथन वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा जी। बिल्कुल सही, 19 का आंसर बताइए। 19 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ज्योति, फहमिदा, अभिषेक, नीतू, शहजादी, ये समझ आ गया। चलिए 19, दीपशिखा, अंशु डी आंसर दे रहे हैं, वीना 19 का डी, ए और डी जी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से कर लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीट हुआ है जी। 19 का डी आंसर, डी आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त। शारदा, ईशा, रश्मि, अंशु, आकाश, जागृति, प्रीति, शारदा, राजकुमार, अंशु शर्मा, सभी एक दूसरे के पीछे तो नहीं बैठे हैं, हैं? एक दूसरे के पीछे लाइन बना के तो नहीं बैठे हैं? एक जो आंसर दे उसी का कॉपी कर दे सारे के सारे, ऐसा तो नहीं है? बता दियो, कहीं चीटिंग मार रहे हो? कहीं एक रूम में बैठे हो सारे के सारे एक लाइन बना के? मनोज कुमार जो आंसर दे वही सारे दे देंगे, वीना जो आंसर दे वही सारे के सारे आंसर दे देंगे, ऐसा तो नहीं है? बता दियो भाई, पिटाई हो जाएगी आपकी। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। और इसका आंसर बिल्कुल सही दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते। कहने का मतलब कि इसमें वो क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव की बात चल रही है इसके अंदर। वो क्या था, आई और ओ की बात चल रही है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना, अभी मैंने पूजा यादव का एग्जाम्पल दिया था। पूजा यादव कहती है कि कुछ आदमी गलत होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ आदमी सही होते हैं। तो ए और डी इसका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब पर कंट्रेरी है, सब कंट्रेरी जी, बिल्कुल सही, सब कंट्रेरी है ये। अभी हम पीछे भी करके आए हैं ये जी। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, अच्छे से सभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना फ्रेंड। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वीना, और मैं भी कह रहा हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, अच्छे से कर लेना। ठीक है, कुटाई हो जाएगी आपकी अगर गलत कर दिया तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसके बाद देखता हूँ, नहीं इसके बाद नहीं है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित अभिकथनों में दो इस प्रकार से संबंधित है कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं। अब की बार पता चलेगा, एक दूसरे का विरोध कौन से कौन कौन कर रहे हैं, ये बताइए दोस्तों। एक दूसरे का विरोध कौन से वाक्य कर रहे हैं जी। 20 का फहमिदा ने 20 का सी आंसर दिया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती, क्या होता है बताइए। सर आपके नोट्स पढ़े हैं और मैराथन वीडियो देखी है, 26 पेज का नोट्स है आपका जी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताना सर। 20 का आंसर सी, दीपशिखा, प्रीति, अभिषेक, रश्मि, ज्योति, आकाश, नवीन, अंशु वर्मा, शहजादी, आपने बहुत मेहनत की है स्टूडेंट के पीछे, इसलिए सभी के अच्छे से आंसर आ रहे हैं जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू शहजादी जी। चलिए 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 भाई, आइए आइए आइए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर।
20 का सी आंसर। और बता दीजिए जल्दी, बस 10 सेकंड का टाइम हो रहा है। ए और सी, वेरी इजी। 10 का सी सर, हिंदी में नंबर गलत लिखा है, हिंदी में नंबर गलत लिखा है, पता नहीं जी क्या कह रहे हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑफर जी, थैंक यू। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। और बिल्कुल सही दिया है दोस्तों, इसका आंसर आपने सी दे रहे, कहीं डी आंसर देख रहे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा जी। 4 आंसर है और अब कुटाई होगी आपकी, रुकिए। इसका आंसर सी दिया है, ज़्यादातर दोस्तों ने सी आंसर दिया। और अब पढ़ना, अब पढ़ते हैं क्या है और देखते हैं किस किस की कुटाई होगी, कौन बचेगा। सविता घुले ने डी दिया है जी। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में दो इस प्रकार से संबंधित है कि वे एक दूसरे के नकारात्मक है, एक दूसरे को डिनाय कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 दिया, ए और सी दिया है। ए और सी की हम बात करते हैं, सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती। अब देखिए, अब सारे के सारे कुटेंगे, सारे के सारे कुटेंगे। अरे रुको रुको रुको, हाँ ऊपर नीचे दिया हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे इन्होंने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 ए और सी इसका आंसर आएगा दोस्तों, ए और सी। इसके अंदर देख लीजिए, हिंदी में ऊपर नीचे हो गया है जी, मैं मानता हूं, लेकिन इसका आंसर आप देख लीजिए, ए और सी आएगा। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे मनोज कुमार है, मनोज कुमार कहते हैं कि सभी महिलाएं क्या है, पुरुषों के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन सविता क्या कहती है, सविता कहती है कि कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती। तो ये क्या है दोस्तों, दोनों की दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना। एक व्यक्ति तो कहता है कि सारे के सारे बराबर होते हैं, और दूसरा कह रहा है, सविता कह रही है कि कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती। तो ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे का नकारात्मक वाक्य है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ए और सी आएगा जी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये आएगा, और कुटाई करने से बच गए क्योंकि हम में थोड़ी सी कमी थी, ऊपर नीचे सफलिंग हो गई है, आंसर ऊपर नीचे हो गए तो बच गए आप, कोई नहीं। बट देख लेना आप, तो देख लेना मैं, चलिए कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइन से खड़े हो जाओ सब लोग, गलत हो गया। ओह ओम जी, मेरा गलत हुआ। देखिए कितने दोस्तों का गलत हुआ है। आई ओ है देन ऑल कैसे, आई ओ है देन ऑल कैसे, सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर है। ये देखिए ना, सभी आप एक एग्जाम्पल से समझिए मनोज कुमार जी, आप तो कह रहे हैं कि सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, और ये सविता है वो क्या कह रही है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे क्या, विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। और यही बात इन्होंने पूछी है कि एक दूसरे के नकारात्मक कौन से हैं। तो इसका आंसर नंबर ए और सी आएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताना, वहां पे आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और दोस्तों अभी कितने जितने भी दोस्त ऑनलाइन है ना, 29 दोस्त ऑनलाइन है, सभी कान खोल के सुन लो अच्छे से। हमारी पेड क्लास के अंदर ही लाइव क्लास होती है, यहाँ पे आके 8 बजे देख लिया करो, या फिर ऐप के अंदर जो चैट का ऑप्शन है ना, चैट के ऑप्शन पे आके देख लिया करो, आज चैट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आई है उसको चेक कर लिया करो, वहां पे आपको लिंक वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आप वहां आके चेक कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना, यहाँ पे हो सकता है मैं आप सभी दोस्तों के सवालों के जवाब मैं ना दे सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।